किल बॉक्सून ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक माँ को दिखाया है जो एक प्रोफेशनल किलर भी है, तो वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कैसे संतुलन रखती है, इसी के बारे में ये मूवी है। तो दोस्तों, मूवी की स्टोरी काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन मुझे पसंद आया। डायरेक्शन बढ़िया है और परफॉर्मेंसेस आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं। तो एक्चुअली मूवी के कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है, जिनके साथ आप कनेक्ट हो पाते हो, और कैरेक्टर्स को काफ़ी अच्छे से डेवलप भी किया गया है। एक्शन सीक्वेंसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, स्पेशली क्लाइमैक्स में आपको मज़ा आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इसकी कहानी और पेसिंग की बात करूँ तो दोनों काफ़ी एवरेज है। मतलब मूवी आपको कुछ नया ऑफर नहीं करती और कहानी प्रेडिक्टेबल भी है। प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ जगह पर मूवी स्लो हो जाती है। मूवी की लेंथ है 2 घंटा और 17 मिनट्स, जो आपको ज़्यादा लगते हैं। इसमें से आराम से 15-20 मिनट कम किए जा सकते थे, ऐसा मुझे लगा। लेकिन फिर भी ठीक है, स्क्रीन प्ले मुझे एवरेज लगा, मूवी आपको बोर तो नहीं करती। इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया थी और हिंदी डबिंग भी अच्छी है। इसमें डायरेक्टली कोई एडल्ट सीन नहीं है और प्रो ऑडियंस को भी ये अच्छी लगेगी। मूवी का क्लाइमैक्स बढ़िया था, जिसमें आपको एक्शन और इमोशंस दोनों ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एक डिसेंट एक्शन थ्रिलर मूवी है, जो आपको नया कुछ ऑफर नहीं करती। लेकिन फिर भी एक बार आप इसे देख सकते हो और अपने एक्सपेक्टेशंस कम रखना। मैं इस मूवी को दूंगा 6.5 out of 10। और दोस्तों, मैंने बेस्ट हिंदी डब मूवीज़ पर भी वीडियो बनाया है, उसे भी आप ज़रूर चेकआउट करना। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।